बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहने वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवीन इम्तियाज काजी है। मैं अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलिमा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। लॉकडाउन के इस पीरियड में हमें इस मुलाकात का इस तरह मौका मिला है। बच्चों, मैं आप लोगों को उर्दू मजमून पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपने जवाब चैट बॉक्स में देंगे। मैं आपको उर्दू की मशकी सरगर्मियां कराने वाली हूँ। आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, सब बच्चे अपने जवाब मुझे चैट बॉक्स में देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने पिछली बार उर्दू में क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्या पढ़े थे आपने? उर्दू पोयम। कौन सी पोयम पढ़े थे? उर्दू पोयम। उर्दू पोयम में वेरी गुड, कंप्यूटर पोयम पढ़े थे, शाबाश। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की मश्क की सरगर्मियां कराने वाली हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी। आज किसका दौर है? चैट बॉक्स में लिखेंगे, किसका दौर है आज? वेरी गुड, कंप्यूटर पॉइंट, कंप्यूटर का, वेरी गुड। आज किसका दौर है? कंप्यूटर का। दफ्तर और घर में किसका रिवाज है? दफ्तर और घर में किसका रिवाज है? कंप्यूटर का रिवाज है, वेरी गुड, शाबाश। मेरा अगला सवाल है, कंप्यूटर पर क्या बजते हैं? क्या बजते हैं कंप्यूटर पर? आपने देखा, नजम में पढ़े हो ना, म्यूजिक, वेरी गुड। गीत बजते हैं, शाबाश, बुशरा ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, गीत बजते हैं। इसके बाद मुझे ये बताइए, आप लोग कंप्यूटर पर क्या देखते हैं? आप लोग कंप्यूटर पर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं आप लोग कंप्यूटर पर? मूवी देखते हैं, वेरी गुड। और क्या देखते हैं? सफोरा ने कहा मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, शाबाश। तो आज हम कंप्यूटर की नज़म की और मजीद मश्की सरगर्मियां करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मरतबा नज़म को पढ़ेंगे। नज़म कंप्यूटर, कंप्यूटर का है ये दौर, अब जीने का बदला तौर। दफ्तर दफ्तर हर घर आज, देखो कंप्यूटर का राज। कदम कदम पर सुबह शाम, कंप्यूटर ही आए काम। हर्फ सभी और सब आधार, कंप्यूटर रखता है याद। हर जबां कर लो तहरीर, और बना लो हर तस्वीर। नई चलाई इसने रीत, इस पर भी बजते हैं गीत। इल्मो फन से है आबाद, अच्छा खासा है उस्ताद। सीख के कंप्यूटर बच्चों, अपने ख्वाब को सच कर लो।
अब मैं ये नज़म मैंने सुनाई, आपने बहुत खामोशी से सुनी। अब देखो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का दौर है, ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि देखो पहले ज़माने में कंप्यूटर जब नहीं था तो लोग अपने मैसेजेस या किसी को फ़ोन करना है या किसी से बातचीत करना है तो कैसे करते थे, जब कंप्यूटर नहीं था कैसे करते थे, एक दूसरे को खत भेजते थे, है ना, खत भेजते थे। या फिर उसके बाद टेलीफोन आया, साइंस की तरक्की के बाद, तो टेलीफोन आने के बाद और मज़ीद तरक्की हुई तो फिर कंप्यूटर आ गया। अब हम देखते हैं कि आज हमारा जो कोरोना वायरस की वजह से स्कूलें बंद हैं और हमारा पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए, आपके फ़ोन के ज़रिए ही तालीम हो रही, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो इस तरह से जो है जब से कंप्यूटर आया है लोगों का जीने का तौर तरीके बदल गए हैं। और आप देख रहे हैं कि दफ्तर दफ्तर घर घर आज देखो कंप्यूटर का राज, यानी कंप्यूटर का राज ऐसा हुआ है कि आप देखो स्कूल में, देखो कॉलेज में, या फिर कहीं पर भी जाओ सारे काम जो है लोग घर बैठे कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। पहले हर जगह जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ती थी और अपने कामों को करना पड़ता था, जैसे कहीं बैंक पे जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, टिकट के लिए जाओ, या शॉपिंग करना है, कुछ भी करना है तो हमको वहाँ जाकर करना पड़ती थी। लेकिन अब जो है ऐसा हो गया कि कंप्यूटर से ऑनलाइन हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो फोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। इसलिए कहा गया है कि सुबह हो शाम हो हर वक्त हमें जो है कंप्यूटर हमारे काम आता है, सुबह शाम हर इसमें जो है कंप्यूटर में हर्फ, इतने हर्फ होते हैं और ऐसे आदाद होते हैं कि हम कितना भी कितनी भी बड़ी गिनती कर सकते हैं। और इसमें इतने लातादाद अदद है, हम कुछ भी उस पर लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है सब कुछ याद रखता है, हम वापस से पीछे जाकर उसको तलाश कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। नई चलाई हर जबां कर लो तहरीर और बना लो हर तस्वीर। इसमें मुख्तलिफ जबानें हैं, चाहे हम उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, मराठी, हिंदी, किसी में भी हम इसमें लिख सकते हैं। और कंप्यूटर पर हम बहुत सारी तस्वीरें बना सकते हैं। आप लोग देखते हो ना, आप लोग कंप्यूटर पे तस्वीर बनाते हो, कुछ हमको सर्च करना है तो हम कंप्यूटर पर सर्च करते हैं, है ना, मुख्तलिफ तस्वीरें बनाते हैं, रंग भरते हैं कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर की नहीं जो है इतनी सारी उसके अंदर मालूम होती है कि हम कुछ भी उसमें तलाश कर सकते हैं, कुछ भी मालूम हासिल कर सकते हैं। नई चलाई इसने रीत, इस पर भी बचते हैं गीत। पहले जो है हम ऐसे ही सुनते थे टीवी पर, रेडियो पर गीत सुनते थे, लेकिन जब से फोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तो हम इस पर गीत भी सुन सकते हैं, अपनी कुछ भी कार्टून बना सकते हैं, नात वगैरह सुन सकते हैं, दुआएं सुन सकते हैं। तो इस पर भी जो है कंप्यूटर पर गीत बजते हैं, ठीक है। इल्म फन से है आबाद, अच्छा खासा है उस्ताद। ऐसा क्यों कहा है शायर ने कि ये इल्म फन से है आबाद, यानी कंप्यूटर पर हर तरह की मालूमात हमको मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज की कोई लैंग्वेज हो या कहीं से अगर हमको कुछ सर्च करना है। पहले हम बहुत सारी किताबों में से ढूंढते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है कि हमको अभी कुछ भी मालूम हासिल करना है तो हम गूगल पर सर्च करके मालूम कर लेते हैं। इसलिए इसके अंदर इतनी मालूम है कि इसको क्या कहा गया है कि ये एक अच्छा खासा उस्ताद है, ठीक है। सीख के कंप्यूटर बच्चों अपने ख्वाब को सच कर लो। यानी शायर कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसे अगर सीखेंगे, सीख कर हम अपनी मालूमात में इतना इजाफा कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को सच कर सकते हैं, ठीक है। आपको नज़म समझ में आई, जवाब दीजिए आपको समझ में आई, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब एक बार आपको पूरी नज़म समझ में आ गई है तो अब हम इसकी मश्की सरगर्मियां करेंगे, ठीक है। हम इसकी मश्की सरगर्मियां करेंगे। देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, देखो पढ़ो और लिखो। आप लोगों ने अपनी कॉपी अपने पास रखी है, सब बच्चों ने कॉपी, किताब, पेंसिल, अगर नहीं है किसी के पास तो आप लेकर आइए। सबके पास है तो कुछ लिखना है, कुछ समझना है तो आपको किताब में देखना होगा। वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा लेकिन आपको किताब में, उसमें भी लिखना है कॉपी में, ठीक है। अब देखो पहला देखो पढ़ो और लिखो, क्या आया है आपकी स्क्रीन पर,
क्या आया है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कितने हर्फ हैं? काफ बीम कम पे ये वाव प्यू तेरे तर कंप्यूटर। काफ मीम कम पे ये वाव प्यू तेरे तर। इस तरह से क्या बनाइए? कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है अगला आदाद। आदाद अदद की जमा है। अदद की आदाद जो है अदद की एक जमा है, यानी जमा वाही जमा जो आप पढ़े हैं, एक अदद एक से ज्यादा होंगे तो जमा आदाद हुए। तो यहाँ पर आदाद, आदाद का मतलब है अलीफ ऐन दाल अलीफ दा और दाल। कितने हर्फ है? अलीफ ऐन जबर आ दाल अलीफ दा और दाल। इस तरह से क्या बना? अदद। ठीक है, आदाद अलीफ ऐन जबर आ दाल अलीफ दा और दा, दाल मिलाकर बना आदाद। उसके बाद अगला है तहरीर। क्या है? तहरीर। तहरीर में कितने हर्फ है? ते है तह रे ये री और रे। इस तरह से क्या ये हर्फ मिलकर क्या बनेगा? तहरीर। ते है तह रे ये री और रे मिलाकर क्या बना? तहरीर। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है तस्वीर। तस्वीर क्या है? तस्वीर। अब तस्वीर में कितने हर्फ है? इसको कैसे तोड़ेंगे? तोय स्वाद जबरदस्त वाव ये वी रे। इस तरह से क्या बना? तस्वीर। तो ते से ते स्वाद जबरदस्त वाव रे वाव ये वी और रे मिलाकर क्या बना? तस्वीर। देखो पढ़ो और लिखो। ये तुमको पढ़ना भी है और लिखना भी है। आप लोग लिख रहे हैं अपनी कॉपी में? बच्चे जवाब देंगे। समझ में आ रहा है ये? बोलो जवाब चैट बॉक्स में लिखो। मैंने जो समझाई एक बार वापस से समझाऊं। पहला है कंप्यूटर। इसमें कैसे इसको कैसे तोड़ेंगे? काफ मीम जबर कम पे ये वाव प्यू तेरे तर कंप्यूटर। ठीक है, आदाद अलीफ एन जबर आ दाल अलीफ दा और दाल मिलेगा तो क्या बनेगा? आदाद। उसके बाद है तहरीर। ते है जबर तह रे ये री और रे मिलकर बना तहरीर। समझ में आया? उसके बाद है तस्वीर। ते स्वार जबरदस्त वाव ये वी और रे मिलकर बना तस्वीर। ठीक है, इतने अल्फाज आपने पढ़ लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्या करना है? तीन हरफी लफ्ज तलाश करके लिखो। दिखाई दे रहा आपको सबको? किताब में भी है, बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, बहुत सारे लफ्ज दिए हुए हैं। उन लफ्जों को पढ़ना है और उसमें से हमको तीन हरफी लफ्ज तलाश करना है। तीन हरफी, जैसे एक हरफी अलीफ बे ते से जो है वो हुरफे तहजी वो एक हरफी है। अब उसमें हम दो हरफी मिलाएंगे तो वो दो हरफी हो, जैसे जैसे अलीफ बे अब दाल मीन दम, तो ये क्या हो गए? दो हरफी हो गए। लेकिन अब जो हमको जो लफ्ज दिए गए हैं उसमें से हमको तीन हरफी लफ्ज तलाश करने हैं। देखिए आपके सामने आए हैं कंप्यूटर। पहला है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनेंगे। ठीक है, इसमें से जितने लफ्ज है उसमें से हम जितने भी है लफ्ज उसमें से हमको तीन हरफी लफ्ज तलाश करने हैं। आप भी समझ के फिर चैट बॉक्स में मैं पूछूंगी कि कौन से किसमें कितने हर्फ है, आपको उसमें जवाब देना है। ठीक है, पहला है दौर। दौर जो है वो क्या है? उसमें कितने हर्फ है? दाल वाव रे। दौर में कितने हर्फ है? तीन। तो दौर जो है वो तीन हर्फी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बजते। अब आप लोग बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में लिखकर, बजते में कितने हर्फ है? कितने हर्फ है बजते में? चैट बॉक्स में लिखेंगे, बताइए।
कितने हर्फ है? बचते बे जीन, बचते ये ते, बचते। तो बचते में कितने हर्फ है लिखिए। वेरी गुड, चार हर्फ है। शाबाश, अक्रम ने लिखा है चार हर्फ है। वेरी गुड, तो ये तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद है तौर। तौर जो है उसमें तोय वाव रे, इस तरह से कितने हर्फ हैं? तौर में कितने हर्फ हैं? जल्दी बताएंगे, जल्दी आप लोग बताएंगे फिर मैं लिखूंगी। तौर में कितने हर्फ हैं? ये कितने हर्फ हैं? तौर में तीन है, इसलिए तौर भी जो है वो तीन हर्फी है। ठीक है, कंप्यूटर। उसके बाद है नेक्स्ट कंप्यूटर, वो तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा हर्फ है, तो ये तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद है घर। घर कितने हर्फी है लिखकर बताइए जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। घर में कितने हर्फ है? कितने हैं? घर में घ रे घर, कितने हर्फ है घर में? दो हर्फ है ना, तो घर में दो हर्फ है, इसलिए घर जो है वो तो तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद है अगला धूम। धूम कितने हर्फी है? दा, ये ध वाव धू और मी, ये भी तीन हर्फी है। ठीक है, उसके बाद है ख्वाब। ख्वाब कितने हर्फी है? थे वाव खो अलीफ और बे मिलाकर ये चार हर्फी हुआ, तो ये तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद है शाम। शीन अलीफ शाम, मीम शाम। इस तरह से हमने इन अल्फाजों में से तीन हर्फी लफ्ज तलाश किए हैं। आप लोग देख सकते हैं दौर, तौर, धूम और शाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और कुछ लफ्ज आए हैं। क्या है पहला? भी। भी में कितने हर्फ हैं? कौन बताएगा कितने हैं? भी में कितने हर्फ हैं? दो हैं। वेरी गुड, तो ये तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद है तहरीर। तहरीर में कितने हर्फ हैं? ते है तह रे ये री रे तहरीर, ये भी तीन हर्फी नहीं है। कितने हर्फ है? पांच है। वेरी गुड, उसके बाद है अगला काम। काफ अलिफ का मीम काम। काम में कितने हर्फ है? तीन है। ठीक है, तो काम जो है वो हमारा तीन हर्फी हुआ। उसके बाद है ये अलिफ या दाल याद, इसमें कितने हर्फ है? तीन हर्फ है, यानी ये भी तीन हर्फी हुआ। उसके बाद अगला है आबाद। आबाद जो है वो कितने हर्फ है उसमें? अलिफ मदा बे अलिबा दाल आबाद, कितने हर्फ है? कितने हैं? शाबाश, चार हर्फी। वेरी गुड, उसके बाद अगला है और। अलीफ वाव रे और, ये क्या है? तीन हर्फी है। ठीक है, उसके बाद अगला है रेत। रेत में कितने हर्फ है? रे ये ते रेत, ये भी तीन हर्फी है। उसके बाद खासा, इसमें ज्यादा हर्फ है, अलिफा स्वाद अलिफा खासा। ठीक है, ये तीन हर्फी नहीं है। सच, सीन चे सच, सच कितने कितने हर्फ है? दो है, यानी ये भी तीन हर्फी नहीं है। उसके बाद अगला है गीत। गीत में गाफ ये और ते, ये इसमें कितने हर्फ है? तीन है, तो गीत जो है वो भी तीन हर्फी हुआ। इस तरह से हमने कौन तीन हर्फी लफ्ज इसमें से तलाश कर लिए। पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ, काम यार और रेत गीत। समझ में आया सबको? ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। ठीक है, पहला सवाल है आज किसका दौर है? जवाब लिखिए किसका दौर है। अब नज़म में हमने पढ़े ना, आज किसका दौर है? वेरी गुड, शाबाश। किस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए किस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। इस तरह से हमारा जवाब आएगा आज कंप्यूटर का दौर है। क्या जवाब आएगा? आज कंप्यूटर का दौर है।
अगला सवाल है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कंप्यूटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ की जगह पर आएगा? दफ्तर और घर, इस तरह से हमारा जवाब आएगा, कंप्यूटर दफ्तर और घर में पाए जाते हैं। कंप्यूटर दफ्तर और घर में पाया जाता है। तीसरा सवाल है, कंप्यूटर क्या क्या याद रखता है? क्या क्या याद रखता है? हर्फ और आदाब। कंप्यूटर हर्फ और आदाब याद रखता है। सवाल पढ़ती हूँ और आप जवाब भी लिखेंगे। देख रहे हैं आप लोग, सवाल है आज किसका दौर है, तो क्या जवाब है? आज कंप्यूटर का दौर है। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? जवाब है, कंप्यूटर दफ्तर और घर में पाया जाता है। तीसरा है, कंप्यूटर क्या क्या याद रखता है? कंप्यूटर सभी हर्फ और आदा याद रखता है। उसके बाद अगला सवाल है, कंप्यूटर पर क्या बचते हैं? तो यहाँ पर जो क्या है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, क्या बचते हैं? कंप्यूटर पर गीत बजते हैं। वेरी गुड करीम, कंप्यूटर पर गीत बजते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे कि कंप्यूटर पर गीत बजते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, कंप्यूटर पर कंप्यूटर कैसा उस्ताद है? कैसा उस्ताद है कंप्यूटर, कैसा उस्ताद है? जवाब दीजिए आप लोग। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, कंप्यूटर अच्छा उस्ताद है। ठीक है, कंप्यूटर कैसा उस्ताद है? कंप्यूटर अच्छा उस्ताद है। उसके बाद अगला सवाल है, बच्चे अपने ख्वाबों को किस तरह सच कर सकते हैं? बच्चे अपने ख्वाबों को किस तरह सच कर सकते हैं? बताइए कैसे करेंगे, किस तरह से सच करेंगे बच्चे अपने ख्वाबों को, किस तरह से को हटा कर क्या लिखेंगे? कंप्यूटर सीख कर, है ना? तो इसका जवाब आएगा, बच्चे अपने ख्वाबों को कंप्यूटर सीख कर सच कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में सबको? इतने सवाल जवाब आप लोगों को समझ में आए? अब हम कंप्यूटर अपने कंप्यूटर सीख कर बच्चे कंप्यूटर सीख कर अपने ख्वाबों को सच कर सकते हैं। ठीक है, सबने समझ में आया? इतना सवाल जवाब सबको अच्छे से समझ में आ गए? अब आपको इसको लिखना है। अब देखिए, तस्वीर देखकर कंप्यूटर के हिस्सों के नाम लिखिए। आपके सामने चैट बॉक्स पर, चैट बॉक्स में लिखना है कि इसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तस्वीरें आ गई, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, है ना? कंप्यूटर है जो, कंप्यूटर में ये जो चीजें, इन सब का इस्तेमाल होता है ना? तो पहली तस्वीर किसकी है? नीचे देखिए जवाब है, आप उसमें से देखकर बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं। कौन बताएगा पहली तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? बताइए, इसे कहते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपी, वेरी गुड, सीपीयू। इशात ने जवाब दिया, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? कंप्यूटर का दिल और दिमाग है, यही वो चीज है जो कंप्यूटर को चलाती है, यानी कंप्यूटर की जान है, ये कंप्यूटर का अहम हिस्सा है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसे क्या कहते हैं? दूसरा क्या है, कौन बताएगा? दूसरी तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? स्पीकर, वेरी गुड। दूसरा जो है वो है स्पीकर। स्पीकर यानी आवाज के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी तस्वीर में क्या है? मॉनिटर, है ना? वेरी गुड, मॉनिटर जो है स्क्रीन देखने के काम आता है। ठीक है, आप लोग सब चीजें जो है मॉनिटर पर देखते हैं। उसके बाद अगला क्या है, कौन बताएगा? चौथी तस्वीर में क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन कहते हैं, वेरी गुड, मॉनिटर कहते हैं, शाबाश। और उसके बाद क्या है, चौथी तस्वीर किसकी है? क्या है इसको, क्या कहते हैं बताइए? माउस, वेरी गुड, इसे कहते हैं माउस, शाबाश। आप लोग तो बहुत अच्छे से जवाब आप लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया इसका मतलब। माउस जो है ये नई तकनीक है, यानी कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल में लाता है। ठीक है, आखिरी तस्वीर क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड पर क्या करते हैं? टाइपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, हम जो चाहे इस पर लिख सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको
बच्चों इतनी मशकी सरगर्मी आपको अच्छे से समझ में आई? सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई मुझे जवाब दीजिए। जितना मैंने करवाया है आपने लिखा उसको, ध्यान से पढ़ा? वेरी गुड, शाबाश। अब हम आपको घर काम देते हैं, ठीक है? घर काम में क्या करेंगे आप लोग? इस नज़म को जबानी याद करेंगे। कौन सी नज़म को? कंप्यूटर नज़म, ठीक है? कंप्यूटर नज़म को आप लोग जबानी याद करेंगे, ठीक है? उसके बाद और क्या करेंगे? और जितनी भी मैंने मश्क की सरगर्मियां कराई है उसको अपनी बयाज में नकल करेंगे या फिर अपनी किताब में या अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है? आया समझ में बच्चों? सब सवाल जब किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी का जवाब अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? अब घर काम लिख लीजिए, ठीक है? वेरी गुड। तो समझ में आया आपको पूरा सबक? नज़म पूरी समझ में आई? नज़म के सवाल जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गए? लिख लेंगे ना आप लोग? वेरी गुड, सब बच्चे लिखेंगे, ठीक है?